रेडियो केजीएमयू गूंज से मैं प्रतिमा हूँ और आज हमारे केजीएमयू के नमस्ते सर सर हमारे केजीएमयू में परिसर में ये जो इवेंट हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं और नेप्टिकॉन 2023 आज ये जो हो रहा है इस इवेंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे सर। एक्चुअली इंडिया की सर पहले अपना इंट्रोडक्शन प्लीज। मैं प्रोफेसर आर के दीक्षित हूँ, प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी केजीएमयू लखनऊ। एंड अब एक एसोसिएशन हम लोगों ने बनाई है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स, तो उसको बने हुए 3 साल हुए हैं और उस 3 साल में पहला जो एनुअल कॉन्फ्रेंस थी वो मंगलोर में हुई थी पिछली बार और इस बार हम लोग फॉर्चुनेट है कि इस कॉन्फ्रेंस को हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस का ओवरऑल जो थीम है दैट इज़ रोल ऑफ फार्माकोलॉजिस्ट इन होलिस्टिक हेल्थ केयर, नॉट ओनली इन प्रोवाइडिंग मेडिसिन और मतलब हर तरह से कहाँ पे हम किस तरह से पेशेंट को एजुकेट करने में हमारा रोल क्या हो सकता है, पेशेंट की जो जो कास्ट ऑफ वो है मेडिसिन है उसको कम करने में कैसे हमारा रोल हो सकता है, तो इस तरह के बहुत सारे विषय हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे और फॉर्चुनेटली वी विल हैव सम गुड रिजल्ट एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। हेलो सर। हेलो सर, नेप्टिकॉन 2023 ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए प्लीज। मैं प्रोफेसर पिनाकी चक्रवर्ती, मैं तेजपुर आसाम से आया हूँ। नेप्टिकॉन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये लखनऊ में सेकंड एनुअल कॉन्फ्रेंस, पहले लास्ट ईयर हम लोग मैंगलोर में कॉन्फ्रेंस किया था, यहाँ अभी हम लोग कल प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप था और आज 1 तारीख और कल 2 तारीख हम लोग का कॉन्फ्रेंस यहाँ पे है। ये कॉन्फ्रेंस क्या पर्पस है और इसका थीम क्या है? इसका थीम है एक्चुअली फार्माकोलॉजी इन होलिस्टिक हेल्थ केयर। फार्माकोलॉजी एक ऐसा स्पेशलिटी है मेडिकल साइंस में जो हम लोग ड्रग्स एंड डिवाइसेस के ऊपर में हम लोग काम करते हैं एंड हम लोग एकेडमिक्स और रिसर्च में भी हैं। और ये कॉन्फ्रेंस का मुद्दा सभी को सस्ता और क्वालिटी ड्रग्स और डिवाइस मिले, सोसाइटी और नेशन हम लोग जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वही हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू सर। नेप्टिकॉन 2023 है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या है थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे, इंट्रोडक्शन प्लीज। मैं डॉक्टर सर्वेश सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी केजीएमयू लखनऊ एंड आई एम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी फॉर नेप्टिकॉन 2023। Our head of the department, Professor Amod Kumar Sachan, he is the organizing chairman. And Professor Anuradha Nischal, she is the organizing co-chair. Sir, what is the purpose of this conference? Okay, ये जो conference है हम लोगों की, ये MD Pharmacology students and faculty के लिए है। ये हम लोगों का एक national association है, National Association of Pharmacology and Therapeutics। इसमें जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया से जितने भी स्टेट हैं, इवन जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ के भी लोग जुड़े हुए हैं और आज के दिन सारे स्टेट से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है और ये लगभग 600 से ज़्यादा डेलीगेट्स हमारे हैं यहाँ पे, जिनमें से करीब 250 फैकल्टी मेम्बर्स हैं और बाकी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं। ये कॉन्फ्रेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैकल्टी के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए। अभी डॉक्टर सीएम कमाल सर का लेक्चर चल रहा है कि हमारा जो एमडी स्टूडेंट्स हैं उसके क्यूरिकुलम में, उसके एमडी एग्जामिनेशन में क्या बदलाव करे जाएं, कैसे बदलाव करे जाएं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो, उनके साथ जस्टिफिकेशन हो और उनका एग्जामिनेशन का एक क्या पैटर्न होना चाहिए, तो उस पर एक लेक्चर है हम लोगों का, अभी लाइव लेक्चर चल रहा है। इसके अलावा जो रोल ऑफ फार्माकोलॉजी है, जो हमारी थीम है दैट इज द रोल ऑफ फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स इन होलिस्टिक हेल्थ केयर, क्योंकि जितना भी पेशेंट केयर से रिलेटेड है उसमें मेडिसिन के बिना कुछ नहीं है एंड मेडिसिन मीन्स फार्माकोलॉजी। तो मेडिसिन की जो रिसर्च है वो मेनली फार्माकोलॉजी वाले लोग करते हैं, मेडिसिन जो हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, MBBS स्टूडेंट को, कोई भी डॉक्टर है वो बिना फार्माकोलॉजी के आगे नहीं जाता है, तो उसको भी हम ही लोग पढ़ाते हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में। और ये पूरा जो कॉन्फ्रेंस है ये उन सारे एस्पेक्ट्स को, जो फार्माकोलॉजी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब को कवर करते हुए हम लोग रखी हुई है यहाँ पे। नमस्ते सर। सर कैसे हैं आप? फाइन थैंक यू सर। आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर। हमारे केजीएमयू में ये जो नेप्टिकॉन 2023 का कॉन्फ्रेंस हो रहा है इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका परिचय। मैं डॉक्टर एल एन शर्मा,
सीनियर प्रोफेसर इन फार्माकोलॉजी रिसेंटली आई जॉइन टी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सुधा मेडिकल कॉलेज कोटा एंड आई वर्क एज ए प्रोफेसर फॉर मोर देन 15 ईयर्स एंड ओवरऑल सर्विस क्रॉसिंग अबाउट बियॉन्ड दी 35 ईयर्स आई मीन फॉर लास्ट 35 ईयर्स आई एम वर्किंग इन द फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट इन राजस्थान। सर इस कॉन्फ्रेंस में जगह जगह से भारत भर से इतने सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं, पूरे इंडिया से आए हुए हैं, तो क्या है नैप्टिकॉन 2023 और क्या पर्पस है इसका? ये देखिए गैदरिंग है, सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस, सॉर्ट ऑफ गैदरिंग ऑफ कंसर्निंग आई मीन सब्जेक्ट इन फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर बीइंग कलेक्टेड हियर एंड हियर वी डिस्कस और present so many topics of the I should say public importance health public health wise public importance wise etc. and it is the largest gathering in India of pharmacologists. Sir, aur kuch message dena chahenge ya aur kuch batana chahenge is conference ke bare mein? Conference mein dekhiye isme sabse zyada to aapko organizers hi bata payenge since I am also one of the faculty. Okay, so ये है कि अभी जो भी हमारी एक पहले एसोसिएशन का हुआ करता था और उसके बाद में ये दूसरी एसोसिएशन है नेशनल लेवल पे जिसकी ये लार्जेस्ट गैदरिंग है ना, क्योंकि ये फर्स्ट गैदरिंग हमारी साउथ में हुई थी, सेकेंड अभी यहाँ पे लखनऊ, थर्ड हमारी नागपुर के अंदर। थैंक यू सो मच। मैम आपका रेडियो KGMU गूंज पर बहुत बहुत स्वागत है। नैप्टिकॉन 2023 का जो आयोजन किया जा रहा है इसके बारे में ज़रा सा बताइए। थैंक यू। वी हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग दिस नैप्टिकॉन 23 एवरी ईयर वी कंडक्ट दिस कॉन्फ्रेंस। दिस इज द सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स एब्रीविएटेड एज NPT। So last year it was in Mangalore. This year we have been having it in Lucknow. So every year we have in different parts of the country. मैम थोड़ा सा मैं आपका इंट्रोडक्शन भी पहले अपने जो भी हमारे लिसनर्स हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, उनको बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर पद्मजा उदय कुमार हूँ। मैं NPT का आपका प्रेसिडेंट हूँ और हमारे NPT की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस हर ईयर एक एक अलग कॉलेज को देते हैं। दिस ईयर KGMU हैव डन ए वंडरफुल जॉब। अब हम पर्पस की बात करते हैं मैम, ये नैप्टिकॉन जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है इसका मेन पर्पस अगर हम जानना चाहें तो बताइए। सो ईच कॉन्फ्रेंस में हम मिलजुल के वी विल बी हैविंग मेनी प्रेजेंटेशंस, पोस्ट ग्रेजुएट्स, जूनियर फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी, ऑल ऑफ अस कम टुगेदर, वी एन्जॉय a good academic feast. There will be presentations, oral presentations, poster presentations. So it is a fellowship, it is academic, I can say academic feast again, and we meet all the pharmacologists from across the country. It is great to have to meet all of them, and also the punchline is to gain more knowledge. When they come and present their research work, we get to know more about it, and then we also get more ideas to continue with research in our own institutions. अच्छा, इस बार लखनऊ में आयोजित हो रहा है, KGMU करा रहा है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी करा रहा है, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? आज तो फर्स्ट डे है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप लोगों का हॉस्पिटैलिटी तो नंबर वन है और अरेंजमेंट्स बहुत अच्छा है और बहुत लोग बड़े बड़े सीनियर फार्माकोलॉजिस्ट आया है, देश के हर कोने से लोग आए हैं, सो उनको मिलते हैं और वी हैव नियरली 300 पेपर्स प्रेजेंटेशन विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री।